ओके दोस्तों, तो आज अपन बढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ पुल, पुली कंसेप्ट की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो एग्जांपल ये सब यक्षी वर्मा के एग्जांपल है दोस्तों। तो पहले एग्जाम की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस केस में देखिएगा, मास यम टू जो है वो मास यम वन से ग्रेटर है, मास यम टू मास यम वन से ग्रेटर है। तो इस केस में द नेट एक्सेलरेशन जो है दोस्तों वो यम टू की तरफ रहेगा। तो नेट एक्सेलरेशन दोस्तों यम टू की तरफ रहेगा। तो अपने को आप एक एक्सेलरेशन निकालने के लिए मास यम वन की जो है या ब्लॉक यम वन के लिए यफ बड़ी बनानी पड़ेगी। यफ बड़ी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम दोस्तों, यफ बड़ी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में मास यम वन का मास नीचे यम वन जी, ठीक है दोस्तों। और ऊपर जो लगता है दोस्तों, ऊपर जो लगता है ऊपर यहाँ पे टेंशन लगा दोस्तों। क्या लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा? टेंशन, ठीक है दोस्तों। आप एक चीज़ याद में रखिए दोस्तों कि टेंशन जो रहता है ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट या फिर अवे फ्रॉम द बॉडी रहता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस केस में ब्लॉक यम वन के लिए टेंशन जो है थी ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन जो है मास यम टू की तरफ है, तो यहाँ पे नेट फोर्स और यम वन, नेट फोर्स यम ए बोलते हैं इस केस में, यम वन ए जो ऊपर रहेगा। तो दोस्तों इस केस में अब ब्लॉक यम वन के लिए अगर अपने को इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन कैसे बनेगा दोस्तों, कि आप यहाँ पे एक कंसेप्ट जो है अब याद कर लीजिए, जो कि इसका मतलब कि कभी भी आप इक्वेशन बनाएं तो जिस डायरेक्शन में यम ए रहेगा, जिस डायरेक्शन में यम ए रहेगा उस डायरेक्शन में आप माइनस क्या कीजिए, मतलब टी। अब इस डायरेक्शन में यम वन नहीं, तो मतलब इस केस में आप टी को टी बढ़ा लीजिए, तो टी माइनस यम वन जी इक्वल्स टू यम वन ए कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आप याद रखिए, ये कैसे है आपको मालूम है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में यम वन यम ए रहेगा उसी डायरेक्शन में बना लीजिए, ठीक है। इसी तरह आप इक्वेशन अपन यफ बी डी बनाते हैं मास यम टू के लिए। मास यम टू में इस केस में कैसे है, टेंशन टी ऊपर रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलो अब फिर मास यम टू के लिए यफ बी डी बनाते दोस्तों। तो ब्लॉक यम टू, ये ब्लॉक यम टू के लिए यफ बी डी, इसका नीचे जो वेट रहेगा दोस्तों वो यम टू जी रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब इस केस में टेंशन टी ऊपर रहेगा, ठीक है दोस्तों। पर यहाँ पर दोस्तों फोर्स जो है यम ए, फोर्स इस केस में यम टू ए वो नीचे रहेगा। आपको मालूम होगा दोस्तों क्यों नीचे, मैं पहले बोला अभी बोला था, ठीक है दोस्तों। तो इस केस में आप इक्वेशन बनाना है तो आप मेरे ख्याल से बना लेंगे। तो भी देखिएगा, यम टू जी माइनस टी इज इक्वल्स टू यम टू ए। तो देखिए दोस्तों, आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं दोस्तों, आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस दोनों इक्वेशन को आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू यम टू माइनस यम वन इंटू जी अपॉन यम वन प्लस यम टू मिलेगी दोस्तों, ठीक है। अगर उसी तरह टेंशन की भी वैल्यू मिल सकती है अपने को, टेंशन की वैल्यू आएगी टू यम वन यम टू जी अपॉन यम वन प्लस यम टू। तो दोस्तों इस केस में इम्पोर्टेंट यही है कि इक्वेशन कैसे बनाया जाए। इक्वेशन बनाने के लिए एक चीज़ याद रखिए, जिस किसी डायरेक्शन में यमे रहेगा उसी डायरेक्शन में से आप माइनस कीजिए, बोलो तो पिछले अब यहाँ पे यमे के डायरेक्शन में नीचे है, यम टू जी माइनस टी कीजिएगा, यम टू जी माइनस टी इक्वल टू यम टू ए। उसी केस में ब्लॉक यम वन के लिए यमे के टी के डायरेक्शन में, तो टी माइनस यम वन जी इक्वल टू यम ए लीजिए, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको ये मालूम आ गया होगा समझ में, ठीक है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू यम टू माइनस यम वन जी अपॉन यम वन प्लस यम टू,